जी, और सौरभ भारद्वाज भी हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सौरभ जी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक तो मनीष सिसोदिया के मामले में एक झटका लगना और अरविंद केजरीवाल को ये समन, ये बहुत बड़ा झटका आप देख रहे हैं या अभी भी आपको यकीन है कि ये विच हंट ही होगा, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणियां मनीष सिसोदिया के केस में आई दिन में? मैं तो ये समझता हूँ, 2 दिन पहले ANI को एक लंबा इंटरव्यू भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी जी ने दिया 2 दिन पहले, और उन्होंने कहा कि अब अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा को गिरफ्तार होने से कोई नहीं बचा सकता, अब ये गिरफ्तार होंगे। उनसे पूछा गया, आपको कैसे पता, आप तय करते हैं? कह रहे नहीं, हमें मालूम है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने से पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद को मालूम है कि अब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। तो मैं क्या मानूं कि कौन कौन इन एजेंसीज को चलाता है? क्या एजेंसीज मेरिट पे काम करती हैं? क्या एजेंसी सबूतों पे काम करती हैं? अगर सबूतों पे काम करती हैं तो क्या मनोज तिवारी जो है ईडी के डायरेक्टर हैं वो तय करेंगे कि अब कौन गिरफ्तार किया जाएगा? साफ बात है, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। राजनीतिक कारणों से अब अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी जो है भारतीय जनता पार्टी ने तय मानी हुई है कि उनको अब गिरफ्तार करना है और आम आदमी पार्टी को खत्म करना है, आम आदमी पार्टी को नष्ट करना है, आम आदमी पार्टी को देश की राजनीति से हटाना है। इसलिए जो है अब जो है सम्मन जो दिया गया है तो बेसिकली अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के लिए जो है वो तैयारी शुरू की गई। सौरभ, प्रीति चौधरी बोल रही हूँ, क्या अरविंद केजरीवाल जी जो चीफ मिनिस्टर हैं इस समन को ऑनर करेंगे? क्या वो अपेयर होंगे ईडी के सामने? मेरे को इसके अंदर कोई पर्सनल और व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, मगर अभी तक जब जब हमारे किसी भी लीडर को समन किया गया है, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, हमारे लीडर्स वहां पे अपने हुए हैं, जो सवाल पूछे गए हैं उनके सवालों का जवाब हमेशा हमारे लीडर दिया है। तो मेरे को इस विषय में कोई पर्सनल जानकारी नहीं है, मगर मोटे तौर पे हमारे लीडर्स जो है अपीयर होते रहे हैं और जो है जांच में हमेशा सहयोग करते रहे। सौरभ, अगर आप अभी देखें जो पूरा आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप है, संजय जी जेल में है, मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली वो जेल में है, विजय नायर जेल में है और अरविंद केजरीवाल जी का अब समन है 2 नवंबर को, तो दिल्ली यूनिट अगर देखें पूरी तहस नहस हो जाएगी अगर अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट होता है 2 नवंबर को। देखिए, कोशिश जरूर है भारतीय जनता पार्टी की आम आदमी पार्टी को तहस नहस कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। लीडरलेस आम आदमी पार्टी कब तक चल पाएगी, ये कोशिश जरूर है, मगर आम आदमी पार्टी का प्रीति जी लंबा इतिहास रहा है। हम लोगों को जब जब राइट ऑफ करने की कोशिश की गई है, जब जब ये मान लिया गया है कि अब आम आदमी पार्टी खत्म हो गई है, आम आदमी पार्टी और ज्यादा मजबूत होके अगले चुनाव के अंदर उतरी है, क्योंकि जनता जो है वो ये सारा का सारा तमाशा जो है देखती भी है, समझती भी है। तो बिल्कुल कोशिश की जा रही है और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जितनी बड़ी कोशिशें अब तक की गई हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी राजनीतिक दल के खिलाफ की गई होगी। 170 केसेस हमारे विधायकों पे, हमारे सांसदों पे, हमारे मंत्रियों पे अभी तक किए गए हैं, 170 केसेस। मगर आम आदमी पार्टी के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि कोई केस से डर के, केस से घबरा के जो है उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली हो। और पार्टियों में जरूर इस तरीके का देखा गया है कि जिनके ऊपर मुकदमे हुए वो आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यों के अध्यक्ष, मगर ऐसा आपको कहीं पे भी उदाहरण आम आदमी पार्टी में नहीं मिलेगा कि हमारे लोग घबरा गए हों, डर गए हों और हमने भारतीय जनता पार्टी के आगे रुकने की। सौरभ, एक हमारे साथ अगर आप बने रहे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ रहे हैं, गौरव भाटिया जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। गौरव भाटिया, आपका पहली प्रतिक्रिया, 2 नवंबर को समन दिया गया है ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी का साफ कहना है कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, एंड गेम हमेशा अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट था। गौरव
गौरव आप चलिए, गौरव भाटिया हमारे साथ नहीं है, फिर से जुड़ेंगे, पर सौरभ अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, देखिए भाजपा का इसमें साफ कहना है कि अगर आप कट्टर ईमानदार हैं तो आप सवालों से, क्वेश्चनिंग से, समन से क्यों डरते हैं? 2 नवंबर को समन है, ऐसा तो नहीं है कि अरेस्ट होगा, और अगर ईमानदार हैं, अगर नीयत साफ है तो फिर क्या डरना है? सौरभ आपको आवाज आ रही है? चलिए सौरभ भारद्वाज से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, पर सुनते हैं आरपी सिंह, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है। वह इस बात का जवाब नहीं दे रहे कि 338 करोड़ रुपया जो कोर्ट ने कहा कि उसमें घपला हुआ, जो भ्रष्टाचार हुआ, उसका कोई जवाब नहीं दे रहे वो, और ये भी नहीं बता रहे कि उस पैसे का उपयोग उन्होंने कैसे चुनाव के लिए किया। वह पंजाब के अंदर, गोवा के अंदर, वह गुजरात के अंदर, वह कैसा इस्तेमाल किया, और गुजरात में जिनके लोग पकड़े गए थे पैसा बांटते, उन्होंने कहा था कि पैसा दिल्ली से आया। तो मैं अपेक्षा करूंगा कि इलेक्शन कमीशन भी इसका संज्ञान ले और इनकी जाँच करे, क्योंकि अब तो ये हाई सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि 338 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। कार की ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को समन भेजा है 2 तारीख का। इससे ये बात साफ हो जाती है कि केंद्र सरकार का एक ही मकसद है, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना, और इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। किसी तरीके से कैसे भी फर्जी केस बना के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बंद किया जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। बहुत सारे सवाल उठते हैं इस वक्त, क्या आम आदमी पार्टी को ईडी को अक्यूज्ड बनाएगी इसमें? अगर आप आज देखें, आज के दिन आम आदमी पार्टी काफी कॉन्फिडेंट थी कि जो उनके पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहे हैं मनीष सिसोदिया, उनको जो उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट आज बेल देगा, पर मायूस होना पड़ा। पर जब तक रात हुई, एक बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल तक अब ईडी पहुंच चुकी है, उनको 2 नवंबर को समन दिया गया है। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपेयर होना पड़ेगा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने 2 नवंबर को, जो पूरा घोटाला, शराब घोटाले के मामले में अपना बयान देना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल पहले सीबीआई के सामने अपेयर हो चुके हैं एक बार इसी की जांच को लेकर, पर यह पहली बार होगा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उनसे जांच में उनका व्यू लेगी। पर बहुत बड़े सवाल हैं, क्योंकि इसमें आम आदमी पार्टी कह रही है ये एक पूरी राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है। अल्टीमेट गोल हमेशा अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट था, क्या अरविंद केजरीवाल 2 नवंबर को अरेस्ट होंगे? क्या ईडी अरेस्ट करेगी? आम आदमी पार्टी का कहना है हाँ, भाजपा बहुत साफ है कि अगर नीयत साफ है, अगर कट्टर ईमानदार है तो फिर सवालों से क्या डरना। पर अब तक हम आपको बता दें, सबसे बड़ी खबर जो आ रही है, अगर दिन शुरू हुआ था कि मनीष सिसोदिया, विजेंद्र गुप्ता हमसे जुड़ रहे हैं जो भाजपा के दिल्ली यूनिट के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र गुप्ता जी, आपका पहला बयान, अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर बुलाया गया है, पर एक जो आम आदमी पार्टी कह रही है बहुत बड़ा पॉलिटिकल राजनीतिक षड्यंत्र है, एंड गेम टारगेट सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी थे। जब पैसा अरविंद केजरीवाल जी के पास पहुंचेगा तो एंड रिजल्ट क्या, मालिक तो केजरीवाल है, बाकी तो सब काम करने वाले हैं उनके। और जब 8 महीने बाद भी मनीष सिसोदिया को बेल तक नहीं मिल रही है, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 300 करोड़ से भी ज्यादा का इसमें गबन का मामला है, तो आप समझिए कि जब सुप्रीम कोर्ट से भी बेल नहीं मिल रही है और मामले की गंभीरता देखिए, तो केजरीवाल जी कोई अलग से तो नहीं बनकर आए कि कानून से ऊपर हो गए। कानून तो सबके लिए बराबर है। अगर भ्रष्टाचार की सीधी सीधी उंगली उनकी तरफ जा रही है, सारे तथ्य सामने आ रहे हैं, तो उनसे पूछताछ करना मतलब वो राजनीतिक षड्यंत्र हुआ, यानी कि जो कानून का पालन ना करे, भ्रष्टाचार करे और पकड़ा जाए, क्योंकि वो नेता इसमें छोड़ दिया जाए। कभी तो ये केजरीवाल जी कहते थे हम तो आम आदमी हैं, अब ये इतने खास हो गए जब इनसे पूछताछ भी ना हो। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है,
इसमें सबको कोऑपरेट करना चाहिए और कानून को अपना काम करने देना चाहिए, उसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। पर विजेंद्र गुप्ता, इसको राजनीतिक एक्सप्लॉयटेशन तो आम आदमी कहती रही है कि भाजपा कर रही है। दो दिन पहले मनोज तिवारी का बयान आता है कि अगला नंबर अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा का होगा, और दो दिन बाद ईडी समन कर देती है अरविंद केजरीवाल को। आम आदमी पार्टी का कहना है ये एक बड़ी साजिश है। ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि भ्रष्टाचार तो वास्तविकता में केजरीवाल ने किया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का मतलब ही केजरीवाल है। बिना केजरीवाल जी के तो पत्ता भी नहीं हिल सकता इस पार्टी में, और 400-500 करोड़ का गबन हो जाए ये, और फिर केजरीवाल जी तो उनको कट्टर ईमानदार बता रहे, बचा रहे हैं, जो जो भ्रष्टाचार में पकड़े जा रहे हैं उनकी वकालत कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि वो मिले हुए हैं। पर विजेंद्र गुप्ता जी, अगर आप आज का ऑर्डर भी देखें, जो उच्च न्यायालय से ऑर्डर आया है, जो 338 करोड़ की बात हुई है, वो डायरेक्ट कोई मनी ट्रेल एस्टैब्लिश नहीं हुई है मनीष सिसोदिया के लिए, वो एक फायदा मुनाफा माना जा रहा है जो लिकर कार्टल है। कानून अपना काम कर रहा है, सब अपने अपने हिसाब से ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन कानून जो अपना काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पष्ट रूप से बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है और अगले 3 महीने तक बेल एप्लीकेशन पर कोई सुनवाई भी नहीं होगी, ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने आ रहा है। पर रिव्यू पेटिशन डाला जा रहा है, वो ठीक है, आप जो भी आपके कानूनी आपके अधिकार है वो आप प्रयोग करिए, लेकिन आज का जो ऑर्डर है वो तो यही है। अब उस ऑर्डर पर अगर मैं बात करूँ तो विजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे जुड़े। चलिए, बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, अरविंद केजरीवाल को समन किया गया है ईडी ने। आज सुबह मनीष सिसोदिया की बेल प्ली उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट की, और रात होते होते जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनको समन दिया गया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का। 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को पेश होना पड़ेगा ईडी के साथ। पैसे की ट्रेल है, कहां गया, कैसे गया, और 550 करोड़ रुपया अब तक अरविंद केजरीवाल जी के पूंजीपति दोस्तों ने इस शराब घोटाले में से कमाया था। अब आज ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को समन किया है और 2 तारीख को बुलाया है। अब देश के सामने बहुत स्पष्ट था कि जो करोड़ों रुपया अरविंद केजरीवाल जी के पास आया, जो पैसा पकड़ा गया, जो अरविंद केजरीवाल जी रातों रात इतने अमीर बने, इतने करोड़ रुपए का बंगला बनाया, वो कहां से पैसा आया, वो सारा पैसा शराब घोटाले का था। अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते थे लेकिन कट्टर बेईमान थे, राजनीति में सेवा करने की बात करते थे लेकिन राजनीति में केवल और केवल धन इकट्ठा करने आए थे। उनका सपना था कि मैं देश का सबसे अमीर मुख्यमंत्री बनूंगा, अब वो सपना चूर चूर हुआ है। मैं दावे से कह सकता हूं वो मेरी कंप्लेंट थी, मैंने सारा केस पढ़ा है। अरविंद केजरीवाल ने उस पॉलिसी को बनवाने के लिए खुद सतेंद्र जैन को और एक कमेटी बनाई थी, अरविंद केजरीवाल जी की जानकारी में सब कुछ हुआ था, उनके कहने पे सब कुछ हुआ था, उस पैसे के सबसे बड़े बेनिफिशियरी अरविंद केजरीवाल हैं, इसलिए इस केस में अरविंद केजरीवाल जेल भी जाएंगे और देश में लालू प्रसाद यादव जी के बाद सबसे लंबे समय करप्शन के लूट सूट के केसों में जेल में रहने वाले अरविंद केजरीवाल होंगे। चलिए, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अरविंद केजरीवाल 2 नवंबर को ईडी के सामने पेश होंगे। पहले सीबीआई हेडक्वार्टर भी जा चुके हैं इसी मामले में। श्वेता, एक बार आप अपना सवाल दोहराएंगी फिर से? श्वेता, अगर आपको आवाज आ रही है जरा सवाल फिर से दोहराएंगी। श्वेता, प्रीति, मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का डर भी आम आदमी पार्टी को लग रहा है इस समय, या वो इस आशंका से इनकार कर सकते हैं इस समय? श्वेता, जरा फिर से दोहराइए अपना सवाल।
श्वेता जो इजराइल से रिपोर्ट कर रही हैं, उनको आवाज थोड़ी अभी नहीं जा पा रही है, पर हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। पर बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल 2 नवंबर को ईडी के सामने पेश होंगे। अभी तक जो इंडिया अलायंस है, जिसके पार्टनर है अरविंद केजरीवाल, चुप्पी साधे हुए है। कांग्रेस पूरे जो शराब घोटाला है उसमें पेटिशनर है, तो क्या कांग्रेस कुछ बोलेगी? इंडिया अलायंस के जो उनके और पार्टनर हैं, क्या समर्थन में कुछ बोलेंगे? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपके साथ फिर वापस।